हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एजुलॉजी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो थोड़ा तो बिजी था मैं, इस कारण नहीं अपलोड कर पाया। और उसके बाद जो आपको पता ही है, कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और अब फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो आएंगी। तो फ्रेंड्स, जो भाई पहले की वीडियो रह गई है फेब के बाद की, मार्च और अप्रैल की, वो मैं आने वाले डेज में अपलोड कर दूंगा। तो आज जो हम करेंगे मई से स्टार्ट, तो मई का ये, इसमें पार्ट, दो पार्ट आएंगे फ्रेंड्स। पहला पार्ट मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट भी मैं या तो कल या परसों अपलोड कर दूंगा। तो इसमें होंगी 1 मई से लेके 15 मई तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी मेल छोड़ सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो हमारी ईमेल आईडी है zoologyindia1@gmail.com। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। तो हमें बताना है कि फ्रेंड्स, किसे अपॉइंट किया गया है भारत के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को यूनाइटेड नेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स ये हैं टीएस त्रिमूर्ति जी, टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो फ्रेंड्स द टास्क फोर्स ऑन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो फ्रेंड्स ये एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई बनाई गई है। तो इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको, निर्मला सीतारमन जी को। और हमें मेन जो क्वेश्चन है ये बताना है कि जो भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है वो कौन से ईयर तक है, मतलब कौन से ईयर तक भारत की जो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 2025 तक, 2025 तक। तो फ्रेंड्स अभी जो कोरोना वायरस के कारण जो कह रहा है, तो भारत की इकोनॉमी काफी डाउन हुई है, लगभग 0% पे हो चुकी है। और मूडीज ने भी इसका जो फोरकास्ट किया है वो 0% पे किया है। वेटरन एक्टर ऋषि कपूर पास्ड अवे इन मुंबई। ही रिसीव फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर बॉबी इन विच द फॉलोइंग ईयर। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत इंडस्ट्री के महान कलाकार ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। तो मैं बताना है कि इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड कौन से वर्ष में मिला था बेस्ट एक्टर की, बॉबी फिल्म के लिए। तो फ्रेंड्स ये मिला था इन्हें 1974 में, 1974। फ्रेंड्स जो ओबीसी के क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेटली आपको एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड आप हर एक चीज पढ़ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कौन से ईयर में इनको अवार्ड मिला था, तो अब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 18 लाख अनस्किल्ड लेबर्स। फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो 18 लाख लेबर्स को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की एक्ट में रोजगार देगा। तो फ्रेंड्स ये राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो सर हमें बताना है कि महाराष्ट्र डे और गुजरात डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मनाया जाता है 1 मई, 1 मई। इस दिन फ्रेंड्स लेबर डे भी होता है हमारा, लेबर डे। चुन्नी गोस्वामी डाइज एट 82 इन कोलकाता। ही वाज फेमस पर्सन ऑफ विच प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये एक महान फुटबॉलर थे। और यही नहीं, इन्होंने जो एशियन गेम हुए थे, आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड जितवाया था भारत को इनकी कैप्टनसी में, जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 1962 में भारत ने गोल्ड पदक जीता था। इंटरनेशनल लेबर डे और वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई, 1 मई। यूएस एड टू प्रोवाइड हाउ मच एड टू इंडिया पहल प्रोजेक्ट टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। तो फ्रेंड्स जो पहले पहल किया, फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस एंड लॉन्गविटी। तो फ्रेंड्स एक तो होती है पहल, वो जो सिलेंडर वाली स्कीम थी,
प्रथम हस्तांतरण लाभ तो वो चीज नहीं है, ये अलग है। तो यूएस एड ने, पहले यूएस एड के फुल फॉर्म बताना चाहूंगा आपको मैं, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये एक तरह से इंडिया को लोन दे रही है तो ताकि कोरोना वायरस से की बीमारी से लड़ा जा सके। तो फ्रेंड्स ये कितने मिलियन लोन दे रही है, तो ये दे रही है 3 मिलियन US डॉलर 3 मिलियन। चक हाउ द ब्लैक राइस विच बैक द GI टैग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। फ्रेंड्स पहले बताऊंगा GI टैग क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो फ्रेंड्स ये स्पेसिफिकली उसी चीज को दिया जाता है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल है तो फेमस है कोल्हापुर की, तो वहां ये GI टैग मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी दूसरा राज्य या कोई और व्यक्ति इस चप्पल का नाम यूज नहीं कर सकता। वैसे ही चखाओ एक चावल है, तो हमें बताना है कौन से राज्य का इसको GI टैग मिला है। तो फ्रेंड्स ये चावल है मणिपुर का, मणिपुरम। मणिपुर की बात करें फ्रेंड्स, जो यहाँ की राजधानी है वो है इम्फाल। व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 170 नेशंस इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय ओपन बजट सर्वे। तो फ्रेंड्स एक ओपन बजट सर्वे हुआ है, तो मैं बताना है कि भारत का रैंक क्या है जिसमें 17 देश लिए गए थे, और इसमें बताना है हमें कि भारत का बजट कितना ट्रांसपेरेंट है। तो फ्रेंड्स ये भारत का जो बजट है वो आता है 53rd नंबर में, 53rd। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट बायनियल इलेक्शन टू विच स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फ्रेंड्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसे हम कहते हैं हिंदी में विधान परिषद। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, 21 मई को हुए हैं, तो वो बताना है कि कौन सी स्टेट में होंगे, और ये एमएलए द्वारा चुने जाते हैं एमएलसी, तो ये होंगे फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स ये सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा, 21 मई को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये चुनाव होंगे, बट इसकी प्रॉपरली कभी डेट नहीं आई है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये हमारे पहले 7 राज्यों में थी, बट अब 6 राज्यों में हो गई है। जो जम्मू एंड कश्मीर से था वो विधान परिषद हटा ली गई है 2019 में। ये फ्रेंड्स देश है, राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले जे एंड के में भी थी, पहले 7 स्टेट्स थे, बट अब वो स्टेट नहीं रहे, यूटी बन चुके हैं, तो इस कारण से वहां से विधान परिषद हटा ली गई है और अब जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में रह गई है। Who has been elected as an international honorary member of the American Academy of Art and Science? So friends, हमें बताना है कि किसे चुना गया है international member American Academy का, तो ये चुना गया है friends शुभाना नरसिम्हा। What will be the shape of newly proposed Parliament building for India at the estimated cost of 922 crore? Friends, जो भारत की जब न्यूली पार्लियामेंट बनने जा रही है तो हमें बताना है कि उसकी शेप कैसी होगी और जो उसकी कॉस्ट है फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मन एग्जाम में आ सकती है। आप ये अमाउंट याद रखना 922 करोड़, तो फ्रेंड्स की शेप होगी ट्रायंगुलर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? तो फ्रेंड्स जो भी डेज होते हैं उनमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलता है, और जो मई का मंथ है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डेज इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मनाया जाता है 3rd of May को, 3 मई। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट कम से कम देने के लिए, और जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स ये राज्य है हिमाचल प्रदेश की बात करें जो यहाँ के सीएम है वो है जयराम ठाकुर जी, ये बीजेपी सरकार से है फ्रेंड्स। अजय कुमार त्रिपाठी हैज पास्ड अवे
on 2nd of May due to coronavirus. He was former chief of justice of which state? तो friends, अजय कुमार त्रिपाठी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया coronavirus की वजह से. तो हमें बताना है कि कौन से राज्य के चीफ जस्टिस थे. तो फ्रेंड्स ये थे छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़. हाउ मेनी इंडियन जर्नलिस्ट हैव वोन द पुलिट्जर प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ फीचर ऑफ फोटोग्राफी. तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि कितने इंडियन जर्नलिस्ट को पुलिट्जर प्राइज मिला है 2020 का फोटोग्राफी की फील्ड में. तो फ्रेंड्स ये मिला है तीन जो हमारे जर्नलिस्ट उनको मिला है. तो मैं बताऊंगा आपको उनके नाम क्या है. काफी नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. ये एक का नाम है डार यासिन, मुख्तियार खान और चनी आनंद. द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ द नेशंस एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड. फ्रेंड्स हमें बताना है कि भारत की जो नौसेना है उसने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मतलब उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसमें जो हमारे जो भारतीय जो बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए. तो फ्रेंड्स इस जो ऑपरेशन का नाम है वो है समुद्र सेतु, समुद्र सेतु. Which of the following state government has launched a WhatsApp number which people can use to launch complaints regarding corruption? तो फ्रेंड्स ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट ने WhatsApp नंबर लॉन्च किया है करप्शन के लिए कंप्लेंट करने के लिए. वह कौन सा राज्य बना है पहला? वो बना है त्रिपुरा, त्रिपुरा. वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है. तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 5th ऑफ मई को, 5 मई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्च टू निगाह स्कीम, निगाह टू प्रॉपरली सैनिटाइज एंड एजुकेट फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट. तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि निगाह स्कीम किसने लॉन्च की है जो मेंबर्स दूसरे राज्यों से उस राज्य में आ रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए कि आपने सैनिटाइज कैसे करना है और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनानी है. तो फ्रेंड्स ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. तो फ्रेंड्स ये किया गया अधीर रंजन चौधरी जी को. ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं फ्रेंड्स कांग्रेस से बिलोंग. तमिलनाडु गवर्नमेंट टू कन्वर्ट लेट सीएम जयललिता रेजिडेंस इन चेन्नई इनटू अ मेमोरियल. व्हाट इज द नेम ऑफ रेजिडेंस? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार है वो जो जयललिता जी का घर था उनको एक मेमोरियल में बनाना जा रही है. तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि उस घर का नाम क्या रखा जा रहा है. तो फ्रेंड्स ये रखा जा रहा है विदा नीलियम, विदा नीलियम. द इरानियन पार्लियामेंट अनाउंस द डिसीजन टू रिप्लेस इस करेंसी रियाल विद विच ऑफ द फॉलोइंग अनदर बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी. तो फ्रेंड्स जो ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक डिसीजन पास किया है जिसमें क्या होगा जो इनकी करेंसी है रियाल उसका नाम चेंज किया जा रहा है और ये जो यूनिट है इसका नाम अब नया नाम क्या होगा? तो फ्रेंड्स का नया नाम होगा तोमान, तोमान. ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो आप ये याद रखना तोमान अब ईरान की करेंसी होगी. वेयर वाज द इंसिडेंट ऑफ स्टेरिन गैस लीक्ड अकर्ड इन केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि हाल ही में आपने सुना होगा कि एक जहरीली गैस लीक हो गई थी जिससे काफी लोग मर गए थे. तो ये हमें बताना कि कौन से शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम. और ये फ्रेंड्स आप गैस का नाम भी ध्यान रखना, आपसे गैस का नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टीरिन गैस. हु इनॉग्रेटेड द रोड लिंक फ्रॉम धारचूला उत्तराखंड टू लिपुलेख चाइना बॉर्डर ऑन 8 मई? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि किसने रोड लिंक का इनॉग्रेशन किया है जो कि धारचूला जो कि उत्तराखंड में है और लिपुलेख जो चाइना बॉर्डर पे है. तो फ्रेंड्स ये किया है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह सर. फ्रेंड्स हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस. तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सीएम हैज लॉन्च द नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल फॉर, जिसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना. तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने युवा को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है रोजगार देने के लिए जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना. तो फ्रेंड्स ये राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा. त्रिपुरा की बात करें जो यहाँ की कैपिटल है फ्रेंड्स वो है अगरतला.
अगरतला। Which state has become the first state in the country to provide door-to-door midday meal? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सा पहला राज्य बनाया जो कि door-to-door midday meal राशन प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स ये राज्य बनाया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। World Red Cross Day is observed on which day? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि World Red Cross Day कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8th of May। Which organization have pre-appointed environmentalist and actor producer Diya Mirza term as its national goodwill ambassador? तो फ्रेंड्स हमें बताना कि वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दिया मिर्जा को जो कि पहले भी इनकी ब्रांड गुडविल एम्बेसडर थी सॉरी और उनको जो अनदर दो साल के लिए रीअपॉइंट कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। Which of the following countries successfully launched its most powerful rocket Long March 5B on its maiden voyage into orbit? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने अपनी पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B अभी अभी लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये देश है चाइना। चाइना। Moody's Investor Service projects India's economic growth at what percent in 2022-2021? तो फ्रेंड्स मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि जो मूडीज ने ग्रोथ रेट भारत की फोरकास्ट की है वो किया 0%। 0%। हु इज द करंट सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि सीबीडीटी का न्यू चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड्स ये है प्रमोद चंद्रा मोदी जी। प्रमोद चंद्रा जी। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो मई मनाया जाता है 9th of May। द WHO एंड द UN पोस्टल एजेंसी हैव रिलीज्ड अ कम्युनिटी पोस्टेज स्टैंप। तो फ्रेंड्स WHO ने और UN ने मिलकर एक पोस्टेज स्टैंप जो है रिलीज की है। तो ये फ्रेंड्स इन्होंने की है जो स्मॉल पॉक्स है उसको खत्म हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नंबर की एनिवर्सरी पे ये लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स ये की है 40th एनिवर्सरी थी ये स्मॉल पॉक्स के खत्म होने की। हु इज द करंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको पता है कि आजकल पीपी किट और सैनिटाइजर और मास्क बहुत ज्यादा चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से और ये हमारी सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इनकी जो मतलब पीपी किट हो गया और सैनिटाइजर हो गया और ये मास्क हो ये किस क्वालिटी के होने चाहिए ये जो हमारा डिसाइड करते हैं वो ड्रग डिपार्टमेंट करता है जो भारत का है और जो हमें बताना है कि इसके जो हेड कौन है करंट ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो फ्रेंड्स ये है विजी सोमानी जी। विजी सोमानी। व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021 प्रेडिक्टेड बाय जापानीज ब्रोकरेज फ्रॉम नोमोरा होल्डिंग्स? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो नोमोरा होल्डिंग्स है उसने भारत की जो फोरकास्ट की है जीडीपी वो कितने परसेंट पे किया? तो फ्रेंड्स ये देखिए माइनस पे कर रखिए -5.2%। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कोरोना वायरस की वजह से हर एक देश पे कितना इफेक्ट पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच मिशन ऑन 10th मई टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडियन ओशन रीजन नेशंस एमिड कोरोना वायरस क्राइसिस? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इंडियन ओशंस की जितने भी आसपास के देश हैं उनको? तो फ्रेंड्स ये किया है मिशन सागर। मिशन सागर। हरिशंकर वासुदेवन डाइड ड्यू टू नो कोरोना वायरस ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? तो फ्रेंड्स जो हरिशंकर वासुदेवन है इनका भी हाल ही में निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। तो हमें बताया है कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे और ये थे फ्रेंड्स महान इतिहासकार थे हिस्टोरियन थे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हिस्टोरियन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज द 70th सेशन टाइटल एक्सप्लोरिंग रिवर नीला ऑफ द देखो अपना देश वेबिनार? तो फ्रेंड्स
जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है हमारी, उन्होंने एक वेबिनार लॉन्च किया था देखो अपना देश। तो हमें बताना है कि जो इस वेबिनार में रिवर नीला के बारे में बताया गया था, तो फ्रेंड्स बताना है कि रिवर नीला कौन से राज्य में पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये पड़ती है केरला में, केरला में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 11 मई। द बायोग्राफी ऑफ ब्रिटेन्स प्रिंस हैरी एंड वाइफ मेगा मार्कल फाइंडिंग फ्रीडम, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो तो बायोग्राफी है ब्रिटेन्स के प्रिंस की हैरी और वाइफ मेगा मार्कल की, इसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। काफी इंपोर्टेंट है नाम, नाम आप ध्यान रखना। तो ये बताना है कि हमने किसने लिखी है, तो फ्रेंड्स ये दो व्यक्तियों ने लिखी है और इनके नाम है ओमिन स्कोबी और कार्लन डोरेंट। द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी नाउ बी हेल्ड इन विच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो फीफा का अंडर 17 वुमेन्स का वर्ल्ड कप इस साल होना था, अब उसको डिले कर दिया गया है। अब ये कौन से वर्ष में होगा, ये फ्रेंड्स ये होगा 2021 में। Which of the following state governments launched the FIR आपके द्वार योजना, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने एक योजना लॉन्च की है जिससे आपने कोई FIR करनी है वो आपके घर पे ही आप बुला सकते हैं और आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये राज्य बना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल नर्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 12th of May. Who becomes first Indian to win ITFC FedUp Heat Award for Asia through online voting by fans? So friends, हमें बताना है कि first Indian कौन बना है ITF FedCup Heat Award जीतने के लिए। तो friends ये बने हैं सानिया मिर्जा जी, सानिया मिर्जा। Which of the following utilities announced that it will be provide a tap water connection to all rural household? और ये friends 2022 दिसंबर तक provide किए जाएंगे और इस योजना का नाम होगा वो होगा जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। तो friends ये UT है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। Who has been appointed as a new chairman of CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि CBSE का न्यू चेयरमैन कौन बना है, तो फ्रेंड्स ये बने हैं मनोज आहूजा जी, मनोज आहूजा। Which company has announced a new policy that will allow its employees to work from home not only currently in the wake of coronavirus pandemic but also indefinitely afterward, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वह कौन सी कंपनी है जिसने वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया है, सिर्फ अभी के पीरियड के लिए नहीं जब तक वो चाहे तब तक। तो ये कंपनी बनी है ट्विटर, ट्विटर। और जो इसके सीईओ है, जो हेड है, वो है जैक डोर्सी, जैक डोर्सी। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल रैंकिंग्स व्हाट इज द इंडियंस रैंक ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में भी कहां है फ्रेंड्स, जिनेवा में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और हमें बताना कि भारत का रैंक क्या है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो भारत का इंडेक्स है 74th। Who has been appointed as a director general of archaeology survey of India, तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया फ्रेंड्स वी विद्यावती को। Which airport has won the Skytrax Award 2020 for the best regional airport in India and Central Asia? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि Skytrax Award किसने जीता है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया, तो फ्रेंड्स भारत में किसे ये अवार्ड मिला, और भारत में फ्रेंड्स ये मिला था कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फ्रेंड्स ये कहाँ है बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटका। और जो फ्रेंड्स जो पहला मिला है पहले नंबर में वो आया है सिंगापुर का एयरपोर्ट, इसका नाम है चेंगी, चेंगी एयरपोर्ट, ये फर्स्ट नंबर पे आया। मनमीत सिंह वालिया
पास्ड अवे एट द एज ऑफ 58। ही वाज द नेशनल चैंपियन ऑफ ही स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स, मनमीत सिंह वाली जी का हाल ही में निधन हो गया, तो मैं बताना है कि कौन सी फील्ड में नेशनल चैंपियन थे। फ्रेंड, तो ये थे टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च्ड विच पोर्टल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि जो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉन्च की है युवाओं के लिए। तो हमें बताना है कि इस स्किल डेवलपमेंट स्कीम का नाम क्या है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स होप। होप फ्रेंड्स, जो होप है HOPE, इसकी भी फुल फॉर्म है। इसमें वो बताया तो आपको, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हु रोट द म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट। तो फ्रेंड्स, COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक म्यूजिकल क्रिएशन बनाई गई है जिसका नाम रखा है यूनाइटेड वी फाइट। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि इसके द्वारा लॉन्च की गई। तो फ्रेंड्स, ये कि जो अल्वेस के द्वारा, जो अल्वेस। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन हमारे यही खत्म होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियो के एंड में हर एक कंट्री करते हैं, कोई ना कोई कंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कंट्री है वो बुल्गेरिया, ये एक यूरोपियन कंट्री है, और जो कैपिटल है इसकी सोफिया है, और करेंसी है लिव, और लोकेशन है वो बता चुका हूँ यूरोप। कैपिटल सोफिया, करेंसी लिव, बुल्गेरिया। तो फ्रेंड्स, ये तुम्हारी आज की वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट और में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और फ्रेंड्स, मुझे मई का पार्ट टू अपलोड करना है, मैं जल्दी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना जितना आप कर सको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।